Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Saurabh Kumar here, Chemistry Faculty, Goal Institute. I am going to discuss Organic Chemistry part of AITS Major Test 4, okay? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 151, जिसमें कि डुमाज मेथड से आप लोगों को दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है बच्चों। इन डुमाज मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ N2, द सैंपल इज हीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड एंड द गैस इवॉल्व इज पास्ड ओवर। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से लिया गया है, डुमाज मेथड जहां पर दिया हुआ है वहां से। इसका आंसर जो होगा वो होगा कॉपर गॉज, ठीक है, कॉपर गॉज के ऊपर हम लोग पास कराते हैं, ओके। तो ये बहुत ही आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन को आप याद रख सकते हो इसका आंसर। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट 154, द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स इन कंपाउंड। इसमें sp2 सिग्मा बॉन्ड कितना है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी हम लोगों को सॉल्व करना हो बच्चों, तो सबसे पहले प्रत्येक कार्बन का निकालना होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो आप लोग देख सकते हो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या है, sp2, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। मतलब इस दोनों के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड जो बना हुआ है वो sp2 लीनियर ओवरलैपिंग से बना हुआ है। तो आप देख सकते हो यहां पर sp2, यहां भी sp2, तो दोनों sp2 लीनियर ओवरलैपिंग जब करेगा ऑर्बिटल तो वहां पर फॉर्मेशन करेगा सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, sp2, और ये भी कार्बन यहां पर देखोगे ये भी कैसा है, sp2। तो यहां पर जो सिग्मा बनेगा कैसा बनेगा, sp2 के लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा। बच्चों जहां भी डबल बॉन्ड हो, जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहां पर भी डबल बॉन्ड है यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसके बाद भी डबल बॉन्ड है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब तुम देख सकते हो ऊपर भी sp2 नीचे भी sp2, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, sp2 लीनियर ओवरलैपिंग से बना हुआ है। तो ये भी सिग्मा हो जाएगा sp2 वाला। यहां देखो ये जो बीच में सिग्मा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो यहां भी sp2 यहां भी sp2, तो ये कैसे बनेगा, sp2 लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा बच्चों, और कोई नहीं है। क्योंकि यहां पे नीचे देखो ये सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और अगर sp3 हो गया इसका मतलब ये जो बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो sp3 sp2 के लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा। यहां भी sp3 है, यहां भी sp3 है, तो और कोई ऐसा कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं है जो sp2 लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो प्रत्येक कार्बन का निकाल दो तुम हाइब्रिडाइजेशन, और देखो कि कहां पर आ रहा है sp2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड। तो यहां sp2 ऊपर, नीचे sp2, उस दोनों के बीच का जो बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड वही कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग से बना हुआ है। यहां भी sp2 फिर यहां sp2 यहां sp2। अक्सर बच्चा गलती इसमें क्या करता है कि सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ले लेता है तो 1, 2, 3 उसको लगता है, नहीं, ये बीच में भले तुमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है लेकिन बच्चों सिंगल बॉन्ड है जरूर, लेकिन ऊपर में और नीचे में इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट जो ऊपर नीचे कार्बन है वो sp2 वाला है, इसलिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैपिंग से ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि इसका आंसर तुम यहां पे कहोगे ये हो जाएगा सेकंड। गुड, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो दे रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 157, उसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स। कौन ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स यहां पे पाया जाता है? तो हम देख सकते हो फर्स्ट वाले में निगेटिव चार्ज है NH2- CH3-, चाहे NH3 में तुम जानते हो कि लोन पेयर होता है, ये सब एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें सिर्फ एक, वो भी NO2- भी नहीं है, NO2- दिया हुआ है तो NO2- भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो यहां पर सबके सब न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद देखो सेकंड में BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल है न्यूट्रल वाला, H2O एक न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि यहां पे लोन पेयर होता है, और ये भी एक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है अमोनिया क्योंकि लोन पेयर है। यहां देखो BH3 बोरेन ऑक्टेट, जानते हो कि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है नहीं, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है जिसके कारण BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, SO3 के पास सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है इसलिए यहां पर भी एक काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का। आपने जब पढ़ा होगा बेंजीन का सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन करने में यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है SO3, या फिर Cl+ जब क्लोरिनेशन करते हो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो वहां पे Cl+ इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जब नाइट्रेशन करते हो बेंजीन का HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप दिए हुए हैं आपको ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। यहां पर देखो फोर्थ ऑप्शन में अमोनिया लोन पेयर है, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, H2O इसके केस में
न्यूक्लियोफाइल हो गया, बाद बाकी BF3 और AlCl3 एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो यानी कि 157 का आंसर यहां पर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो कह रहा है 160, द आईयूपीएसी नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड इज। बच्चों इथाइलिडीन किसको कहते हैं? इथाइलिडीन हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं जेमिनल के लिए, जेमिनल डायहेलाइड के लिए, जब एक ही कार्बन के ऊपर दो होगा क्लोरीन, उसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड। ध्यान रखना, इसके लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल जो करते हैं वो करते हैं इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड, जब जेमिनल होता है तब, और जब भीषणल होता है तो इथाइलीन यहां पे यूज करते हैं, जैसे CH2Cl, CH2Cl इस तरीके से दिया हुआ है, इसको यहां पर कहा जाता है इथाइलीन डाइक्लोराइड, कहो चाहे इथाइलीन क्लोराइड कह दो, ठीक है, तो इथाइलीन क्लोराइड ये इसको यहां पे कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना, तो ये कह रहा है इथाइलिडीन मतलब जेमिनल वाला है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखोगे तो 1 2, यानी कि देखो ऐसा कोई है 1 1 डाइक्लोरो, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, यानी कि इसका आंसर यहां पर हो जाएगा तुमको 160 का 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, 163, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब तुमको यहां पर देखना होगा कौन क्या है। बच्चों सबसे पहली बात, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, देख लो इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि यहां पर 2 डिग्री पे फ्री वैलेंसी है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी ए का सेकेंडरी ब्यूटाइल किधर गया, थर्ड, ए का थर्ड देखो किसी में है, ए का थर्ड दो ऑप्शन में मिल गया, 1 और 2 में मिल गया ए का थर्ड। उसके बाद देखो बी क्या है, तो बी यहां पर तुम देखोगे गौर से तो वो आइसोब्यूटाइल है, क्योंकि आइसोब्यूटाइल इसलिए है क्योंकि यहां पर तुम देखोगे तो ये इस तरीके से मिलेगा CH3 CH के साथ CH3 और फिर यहां पर CH2। जानते हो कि जहां फ्री वैलेंसी है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होता है एल्काइल केस में, तो 1 2 3, और सेकेंड लास्ट कार्बन पे, अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे यानी लास्ट से जस्ट पहले वाले कार्बन पे एक मिथाइल होता है तो टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग आइसो, तो यहां पर इसको हम लोग कहेंगे आइसो, और 4 कार्बन है तो टर्म हो गया इसके केस में आइसोबिटाइल। बच्चों CH2 लिखा और CH पे 2 मिथाइल लिखा, इसी को आइसोबिटाइल कहेंगे, तो आइसोबिटाइल किधर गया, बी का हो जाएगा 5, और सी का देखते हैं क्या होता है, तो देखो तो बी का 5 कोई है, बी का 5 दोनों में है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में है। उसके बाद देखो ये जो है सी नंबर में सिर्फ इतना किया गया है कि एक जो यहां पर दिया हुआ है हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को हटा करके एक मिथाइल और लगा दिया गया है, क्योंकि तुम देखोगे गौर से CH2 है, उसके बाद बीच में एक सी है, और CH3 का होल 3 है, तो CH3 का होल 3 लिख दिया, CH3 तीन बार, 1 2 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, लेकिन सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे 1 मिथाइल होता है तो हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं आइसो, और 2 मिथाइल होता है तो टर्म इस्तेमाल करते हैं नियो, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल, तो नियो पेंटाइल कहां है, सी का हो जाएगा 4, और डी का देख लो इसके केस में क्या होगा, तो बच्चों सी का 4 किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में, सी का 4 फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है, तो जहां तक मुझे लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। अब डी देख लेते हैं, तो डी में क्या कर दिया गया बच्चों, डी में सिर्फ इतना किया गया है इसको यहां से हटा दिया गया है, तो जब यहां पे CH2 को बीच में से हटा दिया गया तो अब टर्सरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी रहा, तो जब टर्सरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी दिया हुआ है यहां पर CH3 का होल 3, अब इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, यानी डी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ई क्या है, तो ई में देखोगे तो CH3 का होल 2 CH है, तो CH3 का होल 2 CH कहने का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो, यानी कि मतलब ये हुआ कि बीच में है CH, CH के ऊपर 2 CH3 है, तो 2 CH3 इस प्रकार से लिख देते हो, जब जानते हो कि प्रोपेन के 1 डिग्री H को हटाते हैं तो नॉर्मल प्रोपाइल कहलाता है, और प्रोपेन के 2 डिग्री H को हटा देते हैं तो आइसो प्रोपाइल कहलाता है, यानी E हो जाएगा आइसो प्रोपाइल, यानी E का हो जाएगा सेकेंड, तो E का होगा सेकेंड यानी कि आइसो प्रोपाइल, तो साफ साफ यहां पर हम लोगों को दिख रहा है इसका आंसर जो हो गया A का 3, B का 5, C का 4, D का 1, E का 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आसानी से ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम लोगों को 11th वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वॉल्यूम 2 है ना, जो दिया हुआ वॉल्यूम 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहां पे जाके आप पढ़ोगे ये सब टर्म दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से रिविजन में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके,
आगे चलता हूं 163 के बाद 166. आइडेंटिफाई ए इन द गिवन केमिकल रिएक्शन. बच्चों ये रिएक्शन जो है इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन. ये एक एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है. ये आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर मिलेगा जहां एल्केन पढ़ना है आप लोगों को, तो उसमें एरोमेटाइजेशन दिया हुआ है जहां की आपको लिखा हुआ मिलेगा V2O5. चाहे आपको यहां पर लिखा हुआ इसके केस में मिलता होगा MO2O3, चाहे यहां पर CR2O3. इस प्रकार से हम लोगों को लिखा हुआ रहता है 773 केल्विन एंड 10-20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नहीं तो इसमें क्या है, अगर 6 कार्बन होता है तो बेंजीन बन जाता है. नहीं, आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मल हेक्सेन को अगर हीट करते हैं MO2O3 या फिर CR2O3 V2O5 तब तो वहां पर बनता है बेंजीन. लेकिन इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 6 कार्बन से तो बन जाएगा बेंजीन, और एक कार्बन जो बच गया मिथाइल CH3 वो रह जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट. यानी कि एरोमेटाइजेशन रिएक्शन जब होता है नॉर्मल हेप्टेन का, तो नॉर्मल हेप्टेन का जब एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है बच्चों, तो यहां पर फॉर्मेशन करता है टॉलिन. और जब होता है तुम जानते हो नॉर्मल हेक्सेन 6 कार्बन होता है तो वहां पर फॉर्मेशन करता है बेंजीन. लेकिन यहां नॉर्मल हेप्टेन है तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ए हो जाएगा टॉलिन. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 169. द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एज. बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों. क्लोरोबेंजीन को सबसे पहले तुम जानते हो कि क्लोरोबेंजीन में ये जो क्लोरीन होता है वो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होता है. नहीं तो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होता है, तो जब तुम यहां पर एसाइलेशन करोगे, मतलब मान लो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसी को तुम लोग कहते हैं फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन. तो यहां पर मैकेनिज्म होता है इसके केस में ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफाइल का जो काम करता है CH3C(O+), AlCl3Cl- को निकालेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बनाता है. और ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होता है क्लोरीन, याद रखना ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पारा पे जाएगा. लेकिन जानते हो कि जब ये पारा पोजिशन पे जाता है तो ये बनता है मेजर प्रोडक्ट. वहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है तो ज्यादा बनता है. और अगर ये C(OCH3) ऑर्थो पे जाता है तो ये भी बनता है लेकिन कम अमाउंट बनता है, इसको हम लोग कहते हैं माइनर. तो पूछ रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एज. तो फर्स्ट वाला तो गया काम से, सेकेंड वाला यहां पर ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, पारा पे हो जाएगा इसका CO+CH3 जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका जाकर के अटैचमेंट होगा. ओके, और थर्ड तो गलत है ही, और एक पारा पे दिया है, एक मेटा पे दिया है. मेटा पे तो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ही नहीं क्लोरोबेंजीन के केस में, यहां भी मेटा पे कर दिया जो कि गलत है. जब भी जाएगा तो ऑर्थो या पारा पे जाएगा, पारा वाला मेजर हो जाएगा. गुड, वेरी गुड. ये हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर से लिया गया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी है, उसको आप थोड़ा रिविजन करेंगे एक बार. और इसके बाद देखे 172, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट. ये भी हेलो एल्केन हेलो एरिन से लिया गया है और डायरेक्ट एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन. आप देखेंगे सॉल्यूशन भी वहां पे एनसीईआरटी में किया गया है, तो आप जरूर एनसीईआरटी को पढ़िएगा, वहां से इस क्वेश्चन को अपने से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा ओपन करके स्ट्रक्चर को. ठीक है, जानते हो कि रेट ऑफ SN1 जो होता है वो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होता है, और रेट ऑफ SN2 जो होता है 1°, 2°, and 3° होता है. तो बच्चों तुम सबसे पहले देखो 172 में यही कह रहा है कि इसके केस में हम लोगों को कहा यह जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है. तो रेट ऑफ SN1 देख सकते हो ये कितना डिग्री है, ये है यहां पर 3°, और ये कितना डिग्री है 2°, यहां पे ये कितना डिग्री है 1°, यहां पे कितना डिग्री है 1°. तो सबसे पहले वहां देखो डिग्री, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप दिया हुआ है, तो लिविंग ग्रुप जहां दिया हुआ ये टर्सरी है और ये सेकेंडरी है, तो ठीक है टर्सरी ज्यादा होता है रिएक्टिव सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी से, तो ठीक है वो सेकेंडरी वाला मोर रिएक्टिव होगा प्राइमरी से. तो पहले जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उसका डिग्री देख लो, और हायर डिग्री है मोर रिएक्टिव होगा. तो टर्सरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी. अब क्या है, यहां भी प्राइमरी यहां भी प्राइमरी, तब देखते हैं सेकेंड कार्बन का डिग्री. तो यहां पर देखोगे सेकेंड कार्बन जो है वो तुमको दिया हुआ है टर्सरी, इस कार्बन से दो है मिथाइल, एक इधर है कार्बन टर्सरी, और इसके देखोगे इधर कितना कार्बन है सेकेंडरी. तो जिस कार्बन पे पहले हेलोजन है उसका डिग्री देखो, उसका डिग्री जब अलग अलग है तो 3°, 2°, 1°, ये कह लिया.
और जब दोनों का 1 डिग्री, जहां लिविंग ग्रुप है वहां डिग्री सेम हो गया, तो बगल वाले का डिग्री देखो तो यहां टर्सरी है और यहां पे सेकेंडरी है, तो ज्यादा रिएक्टिव ये होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ SN1 सही दिया हुआ है, NCERT को जरूर आप पढ़ेंगे और थोड़ा स्ट्रक्चर को ओपन करके। उसके बाद SN2, तो SN2 का ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो बच्चों यहां पर क्या है, ये आपको 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, और ये कितना है 3 डिग्री। आप जानते हो कि 3 डिग्री यानी कि टर्सरी में, टर्सरी के केस में कभी भी SN2 रिएक्शन होता ही नहीं है, तो इसमें तो हम लोग कहेंगे कि होगा ही नहीं, नेग्लेजिबल करके सबसे लास्ट में डाल दिया। प्राइमरी का ज्यादा होता है। अब इस दोनों में इसी का ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहां 1 डिग्री के बाद का कार्बन क्या है 2 डिग्री, यहां 1 डिग्री के बाद का कार्बन क्या है 3 डिग्री, तो यहां क्राउडिंग ज्यादा है। आप जानते हो रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक क्राउडिंग होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। यहां 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री है, क्राउडिंग कम है, यहां 1 डिग्री के बगल में 3 डिग्री है, क्राउडिंग ज्यादा है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे, और ये ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्सरी से। ये तो क्लियर हो गया, ये करेक्ट है। एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों 3,5-dinitrophenol, साफ साफ यहां पर दिख रहा है, दो दो नाइट्रो है, एक है 3 पे एक है 5 पे। तो नेक्स्ट यहां पे पहले हम लोग देख लेते हैं 3,5-dinitrophenol। तो 3,5-dinitrophenol कहने का मतलब क्या है समझ आता है, 1, 2, 3 और उसके बाद यहां पर 4 के बाद यहां पे कर दो 5। ये ज्यादा एसिडिक होगा 3-nitrophenol से, तो ये हो गया 3-nitrophenol। ओके, उसके बाद आपको दे रहा है फिनॉल, तो फिनॉल हो गया ये, उसके बाद कह रहा है 4-methylphenol, तो 4-methylphenol ये हो गया, लास्ट में दिया हुआ है propane 1-ol। तो बच्चों ये तो एल्कोहल है, तो तुम जानते हो कि एल्कोहल लेस एसिडिक होता है फिनॉल से, तो ये सब फिनॉल है वो एल्कोहल है, तो एल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है, पता है फिनॉल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फिनॉल का कंजुगेट बेस फिनोक्साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, जबकि एल्कोहल का कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज वगैरह कुछ होता नहीं, तो सबसे कम स्टेबल कंजुगेट बेस एल्कोहल का होगा, तो सबसे कम एसिडिक एल्कोहल होगा। फिनॉल में यहां पर दोनों NO2 का माइनस आई लगेगा, क्योंकि 3 और 5 दोनों मेटा पोजिशन है, यहां पर एक NO2 का माइनस आई लगेगा, यहां पर मिथाइल का प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन लगेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा 3-nitro 3,5-dinitrophenol, क्योंकि दो दो नाइट्रो का माइनस आई लग रहा है। उसके बाद होगा 3-nitrophenol, एक NO2 का माइनस आई लग रहा है, उसके बाद होगा फिनॉल, क्योंकि पारा मिथाइल फिनॉल जो है उस, यानी कि 4-methylphenol जो है उसमें प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, इसलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा उससे, और सबसे कम एसिडिक यहां पर जो हो जाएगा वो एल्कोहल हो जाएगा। तो बिल्कुल ये करेक्ट दे रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लोगों को। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देख लो, यहां पे कह रहा है पेंटेनल का ज्यादा, गलत है, पेंटेनल का कहां से ज्यादा होगा, यहां पे होगा pentane 1-ol का ज्यादा होगा, यहां सबसे ज्यादा दे दिया पेंटेनल, फिर दे दिया इथॉक्सीथेन, फिर दिया pentane 1-ol, फिर दिया नॉर्मल ब्यूटेन। बच्चों जानते हो कि जहां कहीं ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन होता है तो वो बनाता है इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्ड, और जहां कहीं इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्ड बन सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि मॉलिकुलर एसोसिएशन थ्रू इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्ड ज्यादा होता है। तो यहां पर pentane 1-ol है, इसलिए एल्कोहल का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, जानते हो ना, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर CH3CH2 का होल 3 CH2OH, बच्चों यहां O के साथ H है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा एल्कोहल का। उसके बाद होगा एल्डिहाइड का, क्योंकि एल्डिहाइड का पोलरिटी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे C(O) है, और C(O) में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वहां पर C(O) का, कंपेयर टू ईथर में जो ऑक्सीजन होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है दोनों साइड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो पोलरिटी कम होता है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एल्डिहाइड में ज्यादा होता है कंपेयर टू ईथर, इसलिए एल्डिहाइड का ज्यादा होगा ईथर से, और सबसे कम होगा एल्केन का, क्योंकि वहां लगता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल pentane 1-ol का, उसके बाद होगा पेंटेनल का, उसके बाद होगा इथॉक्सीथेन का, और सबसे कम होगा नॉर्मल ब्यूटेन का, इसलिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट ऑर्डर हम लोगों को यही दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना एल्कोहल बनाता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर सबसे ज्यादा होने वाला है। उसके बाद देखिए 169 हो गया, 172 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो है वो है 175, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एज, कौन इसमें से इनकरेक्ट रिएक्शन हम लोगों को दे रहा है। बच्चों सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कॉन्सेप्ट ये है हम लोगों को कि अगर कोई ईथर के जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल है, क्या क्या है, क्या मैं बोला मैंने,
अगर ईथर में बीच में ऑक्सीजन है, उसके दोनों साइड प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल है, तो वहां पे पाथवे होता है SN2। कौन सा होता है? SN2। और SN2 के केस में जो न्यूक्लियोफाइल अब यहां पर होता है Br- Cl- या I-, ये जो I- Br- न्यूक्लियोफाइल होता है उस डायरेक्शन से अटैक करेगा जिस डायरेक्शन से एल्काइल कम क्राउडेड है, यानी कि स्मॉलर एल्काइल है। ठीक है, क्राउडिंग वहां पे कम है, हिंड्रेंस वहां पे कम है, क्योंकि जानते हो रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो बच्चों यहां पर हम जानते हैं कि SN2 पाथवे होगा। क्यों होगा SN2? क्योंकि दोनों साइड यहां पे देखोगे प्राइमरी ही दिया हुआ है, मतलब न्यूक्लियोफाइल Br- कहां अटैक करेगा? जहां क्राउडिंग कम है, मतलब मिथाइल की तरफ, तो छोटा वाला पार्ट बना देगा एल्काइल ब्रोमाइड, जो कि बना रहा है। अब बड़ा वाला पार्ट बना देगा एल्कोहल, क्योंकि SN2 पाथवे होता है, तो न्यूक्लियोफाइल X- उधर से जाएगा जहां क्राउडिंग कम है। उसके बाद यहां देखो HBr के साथ, ये हमको गलत दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन कंजुगेटेड है रिंग के साथ, और जब कंजुगेटेड हो गया तो कभी भी ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा रिंग की तरफ से, इसमें बॉन्ड टूटेगा OC2H5 की तरफ से। बच्चों तो ये गलत कह रहा है ना, OCH2CH3, ये जो हम लोगों को दिया हुआ है इसमें OCH2CH3, तो ये O और CH2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो HBr के साथ जब तुम इसको रिएक्शन करवाओगे इधर से बॉन्ड टूटेगा, इधर से टूटेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा इसके केस में एक फिनॉल, और फिर एक फॉर्मेशन करेगा CH3CH2 के ऊपर जाएगा Br। ठीक है, ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, तब ये सही होगा। गलत कह रहा है, कभी भी अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेटेड है किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ और दूसरे साइड कंजुगेटेड नहीं है, तो जिस साइड कंजुगेटेड है उधर रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, और जिस साइड रेजोनेंस में नहीं है ओ का लोन पेयर, उधर से ब्रेक होगा सबसे पहले। ठीक है, इसलिए ये होगा आंसर, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं बच्चों। होता यह है कि अगर किसी ईथर के ऑक्सीजन के एटलीस्ट वन साइड टर्सरी एल्काइल, बेंजाइल या एलाइल होता है। क्या क्या बोला? अगर ईथर में ऑक्सीजन के किसी भी एक साइड एटलीस्ट वन साइड टर्सरी एल्काइल या बेंजाइल या एलाइल होता है, तो वहां पाथवे होता है SN1। कौन सा होता है बच्चों? वहां पे पाथवे होता है SN1, और न्यूक्लियोफाइल X- उधर अटैक करेगा जिधर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है। तो यहां पर अब तुम देखो ये क्या दिया हुआ है, एक साइड टर्सरी है, दूसरे साइड प्राइमरी है, तो पाथवे कौन सा होगा? SN1। और SN1 होगा तो कार्बोकैटायन किधर मोर स्टेबल बनेगा, इसको तोड़ लो H+ I-, कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनेगा टर्सरी वाला, यानी टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा, जो मोर स्टेबल है वो अटैक करेगा I-। तो वहां पर ये CH3 का होल 3 CI, ये बिल्कुल करेक्ट दे रहा है, ये गलत नहीं है बच्चों। उसके बाद सुनो डी में कह रहा है ये वाला, तो देखो इधर भी क्या है प्राइमरी, इधर भी क्या है प्राइमरी, और जब ऑक्सीजन के दोनों साइड कह दिया था कि प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल होता है तो पाथवे SN2 होता है, तो यहां पर SN2 होगा, और SN2 जब होता है तो न्यूक्लियोफाइल I- उस डायरेक्शन से अटैक करेगा जहां क्राउडिंग कम है, यानी I- यहां अटैक करेगा बच्चों जहां क्राउडिंग कम है, और H+ इधर जाएगा, तो बड़ा वाला पार्ट बनाएगा एल्कोहल, छोटा वाला पार्ट बनाएगा एल्काइल हैलाइड। इसका आंसर एक्चुअल में ऐसा होगा CH3CH2, NCERT से डायरेक्ट लिया गया है। ठीक है ना, एल्कोहल फिनॉल इथर वाले चैप्टर में जाओगे वहां पे आपको मिलेगा। तो ये दिया हुआ है CH2 के साथ OH बड़ा वाला पार्ट बना देगा एल्कोहल, और छोटा वाला पार्ट CH3CH2 के साथ क्या होगा? आयोडीन होगा। तो यहां SN2 होता है, तो ये गलत दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ये ई नंबर तो एक तो ये गलत मिल गया, एक बी और एक डी, दो गलत मिल गया। उसके बाद देखो यहां पर ये बेंजाइल है, क्या है बच्चों? इधर देख सकते हो ये बेंजाइल है। तो बोला मैंने ना, अगर ईथर में ऑक्सीजन के किसी भी एक साइड, दोनों में से किसी भी एक साइड टर्सरी एल्काइल हो, चाहे बेंजाइल हो, चाहे एलाइल हो, तो वहां पर होता है SN1 पाथवे, और न्यूक्लियोफाइल X- यानी I- या Br- उस डायरेक्शन से अटैक करेगा जहां पर मोर स्टेबल बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो यहां पर ये टूटेगा तो मोर स्टेबल बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, उसी के ऊपर आएगा I-, तो I- यहां पे अटैक करा दो, यानी CH2I और फिनॉल ये बनेगा। फिनॉल क्यों बना? क्योंकि ये OH का लोन पेयर कंजुगेटेड है इस रिंग के साथ, तो जिस रिंग के साथ, जिस पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर कंजुगेटेड है वही H+ को लेकर के बना देगा वहां पे फिनॉल, तो वो फिनॉल बन गया, ये बेंजाइल आयोडाइड बन गया। तो इसमें इनकरेक्ट हम लोगों को पूछ रहा है, यानी बी और डी, यानी कि इसके केस में सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, 175 का सेकेंड ऑप्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? एकदम अच्छे तरीके से देखो क्वेश्चन दिया गया है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड एकदम, जो नीट में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइंस,
कितना आसान क्वेश्चन है। देखो ये तो आप जानते हो, ये थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड को जब अमोनिया के साथ पहले रिएक्शन करवाते हो, कुछ एक दो टेस्ट पहले लगता है मुझे ये भी क्वेश्चन आया था, थैलिक एसिड को अगर अमोनिया के साथ पहले रिएक्शन करवाते हो तो अमोनियम थैलेट बनता है, फिर हीट करते हो थैलामाइड बनता है, स्ट्रांगली हीट करते हो थैलीमाइड बनता है, तो ये रिएक्शन तो होगा होगा नहीं। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस ये है बच्चों, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हम लोगों का सेकंड ऑप्शन है। तो देखो इसको सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है इसी को कहते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, एमाइंस वाले चैप्टर में। तो एमाइंस वाले चैप्टर में जब जाओगे तो वहां पे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस आपको मिलेगा, जिसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि एलिफैटिक प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। बाद बाकी नाइट्रो का रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन है ये सब, तो इसको हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस नहीं कहते हैं, थैलीमाइड यही है। इसमें से आपको बनाना सिखाया था कि जो यहां आर के जगह पे रहेगा, एल्काइल हैलाइड में आर के जगह पे जो भी रहेगा उसके साथ एनएच2 को ऐड करके हम लोग जो फॉर्मेशन करते हैं आर एनएच2, यानी कि एलिफैटिक प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। और साथ में आप लोगों को कहा था कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहां पर सोडियम थैलेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोगों को पिछले टेस्ट यानी स्पॉट टेस्ट जो होगा, इस पिछले स्पॉट टेस्ट के पहले जो एआईटीएस हुआ था, एआईटीएस वाले में देखोगे इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से, ठीक है। तो इसको यहां पर हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 181 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन ए एंड द अदर एज रीजन आर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे कह रहा है, एसर्शन ए में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। ये गलत कह रहा है ना, कभी भी कीटोन टॉलेन टेस्ट देता है क्या, नेवर, कभी नहीं, कीटोन देता ही नहीं है, तो गलत कह रहा है। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर, गलत एसर्शन, गलत हो गया। रीजन में कह रहा है बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेंट्स ए कार्बोनिल ग्रुप, ये करेक्ट है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप हम लोग किसको कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब हो गया बच्चों सी डबल बोन ओ। तो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में होता है सी डबल बोन ओ। अंतर यह है कि एल्डिहाइड में एक साइड कार्बन दूसरे साइड हाइड्रोजन होता है, और कीटोन में दोनों साइड कार्बन होता है, इतना ही अंतर है। तो कार्बोनिल दोनों के पास होता है, लेकिन एल्डिहाइड टॉलेंटेज देता है, कीटोन नहीं देता है, मतलब एसर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। इस तरीके से तुम इसका आंसर निकाल सकते हो, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 184 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द पेंटा एसिडेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन टू गिव ऑक्साइम, बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है ग्लूकोज पेंटा एसिडेट, क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है, और साइक्लिक फॉर्म में वो एल्डिहाइड का जो सी डबल बोन ओ वाला ग्रुप है वो फ्री नहीं होता है। तो द पेंटा एसिडेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन टू फॉर्म ऑक्साइम, ये सही है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा। देखो अगर किसी ग्लूकोज के नाम के पहले अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज ये सब लिखा हुआ है, मतलब वो क्रिस्टल की बात कर रहा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात कर रहा है, तो ये एकदम करेक्ट है। ग्लूकोज गिव शिफ्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, गलत है, जानते हो कि एल्डिहाइड जो होता है वो शिफ्ट टेस्ट देता है एक्सेप्ट ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड रियली में फ्री नहीं होता है। आप जानते हो कि ओपन चेन जो ग्लूकोज होता है वो रिवर्सिबल होता है साइक्लिक के साथ, और वो साइक्लिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो लंबे समय तक ग्लूकोज पाया जाता है साइक्लिक फॉर्म में, जहां की वो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो चुका है पहले से ही हेमी एसिटल लिंकेज में, तो जानते हो उसके केस में फ्री एल्डिहाइड होता नहीं है, इसलिए ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, ध्यान रखना, ये गलत कह रहा है, यही गलत है इसके केस में बच्चों, यही इसके केस में लोगों को जो है वो गलत कह रहा है। तो 184 का आंसर हो जाएगा थर्ड। अब ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन टू फॉर्म ऑक्साइम, ये बिल्कुल करेक्ट है कि ग्लूकोज का रिएक्शन, याद रखना बच्चों, ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ होता है और बनता है कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइम, लेकिन ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का रिएक्शन नहीं होता है हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ, तो वो यहां पर करेक्ट है। अब ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा, वो भी करेक्ट है, और ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, ये यहां पर गलत कह रहा है कि ग्लूकोज गिव शिफ्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। इसका रीजन पूछेगा क्यों नहीं देता है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें फ्री नहीं होता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो दे रहा है वो अब 188 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड बेंजल डिहाइड एज ए प्रोडक्ट, कहां बेंजल डिहाइड बन सकता है।
बच्चों सबसे पहली बात इसको देखो, जब बेंजोइक एसिड को तुम रिएक्शन करवाते हो SOCl2 के साथ तो क्या बनता है? तो इस बात को तुम लोग जानते हो कि ये हम लोगों को दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, सॉरी ये दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, इसका थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो चाहे PCl3 हो चाहे PCl5 हो, OH को रिप्लेस करता है इसका क्लोरीन, यानी कि C डबल बॉन्ड OCl ये हो जाता है, और बाहर होता है यहाँ पे SO2 गैस, बाहर होता है यहाँ पे HCl, तो ये बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। और फिर इसका हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, यही होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोजनमन रिडक्शन कहते हैं। और रोजनमन रिडक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड का तो फॉर्मेशन करता है, ये बेंजोइल क्लोराइड से फॉर्मेशन कर देता है बेंजल्डिहाइड, बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। तो फर्स्ट वाले यानी ए नंबर से बनेगा, बाद बाकी बी नंबर जो है ना वो जोन्स रिएजेंट है CrO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो CrO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से जब तुम प्राइमरी अल्कोहल को देख सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल है और CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जोन्स रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पर जो फॉर्मेशन करेगा बच्चों वो बेंजोइक एसिड का करेगा, जबकि पूछ रहा है बेंजल्डिहाइड। और यहां पे NaBH4 के द्वारा तो रिडक्शन होता नहीं है, इस्टर का रिडक्शन NaBH4 के द्वारा नहीं होता है, तो ये इस्टर है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन ही नहीं होगा। और ये तुम जानते हो कि टॉलिन का जब रिएक्शन करवाते हैं CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन कहां दिया हुआ है, ये NCERT में एल्डिहाइड कीटोन का जहां प्रिपरेशन दिया हुआ है तो इटार्ड रिएक्शन के जस्ट नीचे आप लोगों को दिया हुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। देखो तो ए और डी कहां दिया हुआ है, तो 188 का आंसर यहां पर थर्ड हो जाएगा, ए और डी दोनों में बनेगा बेंजल्डिहाइड, बी में बनेगा बेंजोइक एसिड, लेकिन सी में कुछ नहीं बनेगा, इस्टर का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा नहीं होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 191 कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, किसमें एल्कोहल नहीं बन सकता है। फर्स्ट है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बिल्कुल सही है यहां पर कि जब तुम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करते हो, यानी जैसे प्रोपीन है इसका तुम वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो यहां पर मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लगता है कौन सा रूल, मार्कोवनिकोव्स रूल, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल OH- नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, तो OH यहां जाएगा और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर H का संख्या ज्यादा है, तो नेगेटिव पार्ट वहां गया जहां H का संख्या कम है, पॉजिटिव पार्ट वहां गया जहां H का संख्या ज्यादा है, तो मार्कोवनिकोव्स रूल के मुताबिक बन जाता है। और सेकंड में कह रहा है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, बच्चों तुम जानते हो जब हैलोजिनेशन हम लोग यहां पर करते हैं हीट सनलाइट अल्ट्रावायलेट रे HNU ये सब के प्रेजेंस में तो FRS होता है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जब होता है तो वहां पर तुमको एल्कोहल थोड़ी बनता है, वहां पे तो जब हेलोजिनेशन करते हैं तो इस प्रकार से बन जाता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, तो इस मेथड से हेलो एल्केन बनता है, इस मेथड से एल्कोहल नहीं बन सकता है, तो सेकंड यहां पर गलत कह रहा है, ठीक है उसमें हेलो एल्केन बन सकता है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, जानते हो कि जब एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी एल्कोहल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, एक हाइड्रोजन कार्बन से ऐड करना है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऐड करना है, बन जाता है यहां पर प्राइमरी एल्कोहल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, यहां जानते हो कि एंटी मार्कोवनिक कैप्सूल के मुताबिक एल्कोहल बनता है, तो यहां पर एंटी मार्कोवनिक कैप्सूल के मुताबिक एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है एल्कीन से, तो वो भी करेक्ट है, यानी कि सेकेंड यहां पर आंसर हो जाएगा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के द्वारा एल्कोहल नहीं बनता है, हेलो एल्केन बनता है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 194 फॉर द गिवन रिएक्शन, ये एक हमको दिया हुआ है रिएक्शन, अब देखो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH के साथ Br, बच्चों इसका रिएक्शन पहले सोडामाइड के साथ दिया है NaNH2 के साथ दिया है, जो कि आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, नहीं NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 पाथवे होगा, तो Br- जहां से निकलेगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ को पिक करेगा NH2-, यानी कि सबसे पहले यहां पे जो फॉर्मेशन करता है वो करता है प्रोपाइन, तो AnaBr बाहर हो गया, ये अमोनिया बाहर हो गया, ध्यान रखना ये जो फॉर्मेशन करता है बच्चों उसी को कहते हैं प्रोपाइन। और जब तुम प्रोपाइन का क्या करते हो, रेड हीट आयरन ट्यूब, जब भी तुमको इस प्रकार से लिखा हुआ है रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हो 873 केल्विन पे, तो यहां पर फॉर्मेशन जो करता है इसके केस में वो ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मेशन करता है मेसिटाइलिन,
जी हाँ, अगर तीनों का तीनों मॉलिक्यूल होता है इथाइन यानी एसिटिलीन, तब बनता है बेंजीन। ध्यान रखना, तीनों मॉलिक्यूल अगर एसिटिलीन होता, अगर यानी इथाइन होता तो बेंजीन, अगर होता दो मॉलिक्यूल इथाइन और एक मॉलिक्यूल प्रोपाइन तब फॉर्मेशन करता टॉलिन, और अगर होता एक मॉलिक्यूल इथाइन यानी एसिटिलीन और दो मॉलिक्यूल होता प्रोपाइन तब फॉर्मेशन करता मेटाजाइलीन, मतलब एक मिथाइल हटा देंगे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। और अगर तीनों का तीनों प्रोपाइन होता है तो प्रोपाइन को जब पास कराते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से, तब यहां पर जो फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं हम लोग 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, या फिर इसी को कहा जाता है मेसिटाइलीन। तो क्या बोला, अगर तीनों का तीनों इथाइन होगा तो बेंजीन आंसर होगा, अगर एक होगा वहां पर प्रोपाइन और दो होगा इथाइन तब टॉलिन होगा आंसर, अगर वहां पर दो होगा प्रोपाइन और एक होगा इथाइन तो मेटाजाइलीन यानी 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन होगा, अगर तीनों का तीनों होगा प्रोपाइन तब इसका आंसर होता है यहां पर मेसिटाइलीन यानी कि 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। ध्यान रखना इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ 197 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिज कार्बे एनाइंस। बच्चों सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, जब निगेटिव चार्ज रिंग के ऊपर डायरेक्ट रखा हुआ है फिनाइल रिंग के ऊपर, तो यहां पर क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर डायरेक्ट निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, मतलब ये कंजुगेशन में नहीं है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है इसके केस में। ध्यान रखना, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी रिंग के ऊपर डायरेक्ट होगा निगेटिव चार्ज, वो कंजुगेशन में नहीं होता है, वो रेजोनेंस नहीं करता है, और जहां रेजोनेंस नहीं होता है वहां मेजोमेरिक इफेक्ट होता ही नहीं है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो निगेटिव चार्ज है एक्चुअल में वो sp2 ऑर्बिटल में है, और वो sp2 ऑर्बिटल में होने के कारण ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है मतलब OCS3 का मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम नहीं लेना है, यहां पर सभी जगह क्या लेना है माइनस आई, कहोगे बिकॉज निगेटिव चार्ज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड मेजोमेरिक इफेक्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन रेजोनेंस इज पॉसिबल, और जब निगेटिव चार्ज रिंग के ऊपर डायरेक्ट होता है तो वहां रेजोनेंस नहीं होता है। बच्चों अगर इस तरीके से तुमको बना करके दिया हुआ रहता है ना ये CH2-, तब तुमको पारा पे OCS3 है, तो यहां पर हम लोग कह देते हैं कि पारा पे अब लेंगे इसके केस में प्लस एम, और मेटा पे ले लेंगे माइनस आई। जब इस प्रकार से तुमको दिया हुआ रहता है उसके लिए यहां पर हम लोग कहते हैं, ठीक है, और जब रिंग के ऊपर डायरेक्ट जब दिया हुआ है तो वहां पे कंजुगेशन कहीं नहीं है, कंजुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, यहां पर हम लोग कहेंगे कि सब जगह माइनस आई लगेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ज्यादा माइनस आई फर्स्ट में लगेगा, फिर सेकेंड में लगेगा, सबसे कम माइनस आई थर्ड में लगेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1,2,3, 1,2,3। बड़े आराम से तुम बना सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 199, मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है कि टॉटोमर्स आर क्या होता है। बच्चों आप जानते हो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट इंटरकन्वर्टेबल होता है, ये कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो इंटरकन्वर्टेबल होता है, लेकिन बिना कैटलिस्ट का नहीं। तो यहां पे चाहे एसिड कैटलाइज्ड होता है चाहे बेस कैटलाइज्ड होता है, तो एसिड कैटलिस्ट या बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये बहुत ही ज्यादा फास्ट रैपिड इंटरकन्वर्टेबल होता है। तो कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कोई ऐसा दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसका फॉर्मूला सेम है लेकिन कैटलिस्ट एसिड या बेस के प्रेजेंस में बहुत ही फास्ट रैपिड इंटर कन्वर्जन करता है, उसी को तो कहा जाता है टॉटोमर्स। यानी कि 199 का आंसर होगा 1 कि रेडिली इंटर कन्वर्टेबल बट ए कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, वो करेक्ट है, और रेडिली इंटर कन्वर्टेबल विदाउट एनी कैटलिस्ट गलत है, अपने आप तो होगा नहीं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, तो 199 का आंसर यहां पर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, और तो कोई यहां पर ऐसा क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, अब तो कुछ है नहीं। ओके, तो ये हम लोगों का आज हो गया इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आपको बच्चों आपको बस करना क्या है, यहां से थोड़ा सा दो लाइन आपको बता देना चाहता हूं, अब आपको जितना से हो सके एनसीईआरटी को फोकस करो, आप लोग जितना रिएक्शन दिया हुआ है खास करके 12th वाला पार्ट में और 11th वाले पार्ट में, जो भी आपको हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है रिएक्शन अच्छे से आप स्टडी करो, और उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, किस पाथवे से रिएक्शन होता है, उसके लिए आप क्लास नोट्स में जाकर के आप पढ़ेंगे, अपने क्लास में जो टीचर पढ़ाए हैं उसको आप जरूर पढ़िएगा। तो बस क्लास नोट्स पढ़ना है और आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, जो हम लोग टेस्ट आपको ले रहे हैं स्पॉट टेस्ट AITS और DPP,
उसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, इससे ज्यादा कुछ जाता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़िएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर रट के जाते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आपको कुछ नया क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फंस जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि कहां पे कौन सा मैकेनिज्म लगता है, कहां पे क्या इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, और जीओसी जो आपको क्लास में टीचर पढ़ाए होंगे, जीओसी के लिए आपको पूरा कॉपी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना जीओसी दिया हुआ है उतना सफिशियंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसके लिए आपको थोड़ा क्लास नोट्स पर निर्भर होना पड़ेगा, उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।